थिएटर के पैसे में बरकत नहीं है जितना भी कमाया जाए उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं दस लाख भी अगर कमा रहे हैं ना एक हफ्ते का तो आपका आठ लाख खर्चा है जो कमाई हम यहाँ से करके अपने घर के सिस्टम चलाते हैं वो हम जॉब करके नहीं चला सकते दिखता है तो बिकता है चदर ओढ़ के बैठ पसंद नहीं करते बोल्ड पहनो बोल्ड करो तो लोग लाइक करते हैं हम जितनी सामने लोगों को नजर आ रही होती है ना बुरी कमर्शियल या बोल्ड वैसी हम रियलिटी में नहीं होती फैन फॉलोइंग के लिए हम अपने आप को ऐसा ढालती है कैमरे के आके सारियाँ अंज बोल देती है ना अंज की कोई गल नहीं है मुझे चपलूसी चीची, मुझे नहीं आती जो बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे असला मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज वन हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी स्टेज और मूवीज की आर्टिस्ट आफरीन खान साहब असल कैसी है आप ठीक ठाक आप सुनाए मैं फर्स्ट क्लास आफरीन जी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उसमें आपका भी शुमार हो गया अब हरीम शाह और बहुत से ऐसे नाम है ये वीडियोस लीक को क्या दुश्मनी हो गई है लोगों को दुश्मनी की बात नहीं है एतबार की बात है कि अब हरीम ने भी किसी से प्यार किया होगा या एतबार किया होगा तो उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना था कोई अपनी मर्जी से नहीं करता उसने भी अपनी मर्जी से नहीं की होगी हो जाती हैं वीडियोस लीक हो जाती हैं बिल्कुल हो जाती हैं लेकिन वो लोग कर रहे हैं कि जिनके साथ रिलेशंस रहे हैं जिनके साथ निकाह रहे हैं करते ही वो है ना वही लोग करते हैं क्योंकि अपने है है। है? ब्रेकअप हो जाएगा हाँ। या कुछ हो जाएगा तो उस बिचारी ने भी सोचा होगा कि हमने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है तो जैसे जैसे चलता रहा वो करती रही होगी बाद में अब सामना करना पड़ रहा है उसे आफरीन खान ने स्टेज किया तो उसमें अपना नाम किया मूवीज भी की बड़ी मिली लेकिन कोई ऐसी मेगा बजट की मूवी आफरीन खान के अभी तक मुकदर में क्यों नहीं आई मूवीज अच्छी बनती कब है आपको भी पता है लाहौर में तो तो मूवीज का सिस्टम ही खत्म हो गया कराची में तो बन रही है हाँ, कराची में बन रही है मगर कराची में अभी तक मैं मेरे बढ़िया ऑफर आई मैं जवाब दे देता है अभी तक मेरा वहां पर कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी से क्यूँ कर रही आप, आपका एक नाम है पहचान है प्रोड्यूसर जानते हैं डायरेक्टर आपको जानते हैं कह रहे हैं कब तक स्टेज ही करती रहेंगी वैसे ही नहीं कर रही हूँ खूबसूरती की एक उम्र होती है और जब वो उम्र ढलना शुरू हो जाती है तो जब हुसन ढलना शुरू हो जाता है तो फिर आपको भी पता है लोग घरों में बैठना शुरू हो जाते हैं वो चीज जिंदगी मैंने यही थोड़ी करना है मेरे बच्चे हैं मैंने अपने बच्चों के लिए मुस्तबिल बनाना है उनके मुस्तबिल के लिए मैं साइड से अपने जो जो मेरे लिए बेहतर है मैं वो कर रही हूँ अपना थिएटर कर ही इसलिए रही हूँ कि थिएटर से मैं अर्निंग करके अपने बच्चों के लिए सेफ साइड कर रही हूँ इन मैं कभी किसी मोड पर बीमार हुई तो लोगों से इमदाद नहीं मांगूंगी अल्लाह ऐसा ना करे कि आपको कोई परेशानी आए अच्छा ये बताए थिएटर के पैसे में बरकत नहीं है अच्छा जितना भी कमाया जाए उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और जितना भी कमाया जाए इंसान की कोई चीज रह जाती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है जो मैंने देखा है अच्छा मैं तो सवाल कोई और करने लगा था लेकिन आपने कहा थिएटर के पैसे में बरकत नहीं है हाँ। तो करती भी स्टेज है तो फिर ये कैसे रुकेगा ये इस तरह है कि ये आप मतलब आपके पास पैसे आए हैं ना आप कोई चीज बना लें आपने घर बना लिया गाड़ी बना ली प्लॉट ले लिया वो आपकी सेविंग होगी अगर पैसे आपके पास हैं जैसे पैसे आए हैं उससे डबल खर्चा आपका पहले रेडी है आप दस लाख भी अगर कमा रहे हैं ना एक हफ्ते का तो आपका आठ लाख खर्चा है जी, मैं आपको नहीं कह रहा आपने अपने दिल पे नहीं लेना है कि वक्त आया तो वो उम्र पे या हज पे चले गई उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी, खैर बात ऐसा क्यों होता है मैं अपने सीनियर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी एक औरत होने के नाते जो मेरा दिल मानता है या जैसा मैं सोचती हूँ वो ये है कि काम एक सेपरेट है और अल्लाह ताला से आपका मामला सेपरेट है हम जितनी सामने लोगों को नजर आ रही होती है ना बुरी या कमर्शियल या बोल्ड वैसी हम रियलिटी में नहीं होती ये, ये तो मैं पर्सनल जानता हूँ कि आप एक बाखलाक और एक खूबसूरत इखलाक की मालिक हैं ये तो मैं भी जानता हूँ दिखता है तो बिकता है लोग चद्दर ओढ़ के बैठ जो पसंद नहीं करते बोल्ड पहनो बोल्ड करो तो लोग लाइक करते हैं उनकी लाइकनेस के लिए फैन फॉलोइंग के लिए हम अपने आप को ऐसा ढालती हैं तो अच्छी बात है अगर कोई उम्र करके या हज करके फील्ड छोड़ देता है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर कोई नहीं छोड़ता और फिर भी उम्र कर रहा है तो ये अल्लाह पाक ने बुलाया है तो वो गया है ना ऐसे तो बड़े बड़े मिलेर बिलेर एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं हमको निगार होने के बावजूद अल्लाह का घर देखा थी क्या पता अल्लाह को कौन सी बात पसंद है सियासत से क्या दिलचस्पी है कोई भी नहीं कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं जिसको कोई थोड़ा बहुत पसंद करती नहीं कोई भी नहीं इमरान खान के बारे में क्या करे? इसी के बारे में भी कोई कमेंट्स नहीं है क्योंकि बस मेरे काम में और फैमिली में इंटरेस्ट है बाकी महंगाई 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 मैं किसी को क्या पसंद करूँ तो क्या वोट दू मेरे लिए सारी बस ठीक ही नहीं महंगाई के बारे में क्या कहेंगे अवाम फिस गई या फ्रीन अवाम तो फिस गई अब देखे आप एक बंदा हजार रुपया जिसकी बेचारे की मजदूरी है या पैंतीस हजार रुपए जिसकी सैलरी है उसने बच्चों को भी पढ़ाना है उसने बिल बिजली का बिल भी देना है उसने बीवी को भी खुश रखना है घर का किराया भी देना है आप मुझे बताएं कि आज के दौर में हज़ार रुपये की सब्ज़ी की हांडी नहीं बनती ठीक है तो ये सारा कुछ कैसे वो बेचारे अफोर्ड कैसे सरवाइव करते होंगे कोई बात नहीं अल्लाह देख रहा है अल्लाह पाक इनके आगे लेके आएगा जो गरीबों के साथ ऐसा कह रहे हैं फिलहाल बड़ा महंगा हो गया जी नहीं, बिल्कुल महंगा हो गया लेकिन मुझे बस ये जाते जाते बस ये एक चीज मुझे करवानी है आपसे और मैं करवा नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं नहीं मैं आपसे और बातें करूंगा बिल्कुल लेकिन आफरीन से आज तक शायद किसी ने गाना नहीं सुना तो आफरीन को कौन सी सिंगर पसंद है जो अकेले में कभी गुनगुनाती है आफरीन मुझे गाने सुनना पसंद है गाना आता नहीं है और ना ही मेरा कोई फ्यूचर में ये है कि जी मैं सिंगर बनूंगी कोई तो ऐसा गाना बंदा हल्के हल्के गुनगुना रहा होता है काम कर रहा होता है कुछ कर रहा होता है क्योंकि पंजाबी गाने तो आप के दिमाग में वो जाहिर सी बात है वो एक फील्ड के हिसाब से एक दिल के सुकून के लिए भी तो कुछ होता होगा मेरे दिल का सुकून मेरे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल है लेकिन कहते हैं मौसी की रूह की गजा है सब फजूल है अच्छा ऐसी कोई गल नहीं है कैमरे सारिया इंज बोल देती है ना इंज की कोई गल नहीं है इतनी बेतकल्लुफ कैसे हो गई तो अच्छा। मुझे, मुझे नहीं आती जो बात हो वो स्ट्रेट किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे कैसा महसूस होता है कि आज हर जगह कैसा महसूस होता है क्या क्या सोचा था कि इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे सोचा तो कभी भी नहीं था मेहनत बहुत की कोशिश थी मैं कुछ बनू मेरा नाम बने तो मैं जिस मकसद के लिए आई थी उसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे पूरा हो गया वो इज्जत दी नाम दिया स्टार बनाया काम तो ये भी अच्छा नहीं है कि बंदा कहे कि जी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी मगर एक काम में इंसान मेहनत करता है तो किसी मुकाम पे पहुंचना चाहिए ना उस लिहाज से अल्लाह ने मेरी सुन ली जी मिली मैंने आज तक किसी के मुँह से ये नहीं सुना और उस वक्त के जब पूरा अरूज हो जैसे आपने अभी कहा कि काम तो ये भी अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी ये सब कुछ जानते हुए क्यों दुनिया नहीं समझती? अल्लाह पाक ने ना हमारे जो आमदन का जरिया है ना वो ये बना दिया है आप बिजनेसमैन हैं या आप कहीं जॉब करते हैं आपने सुबह अपनी ड्यूटी पे जाना है इसी तरह हमने शाम को अपनी ड्यूटी पे आना है जो कमाई हम यहाँ से करके अपने घर के सिस्टम चलाते हैं वो हम जॉब करके नहीं चला सकते वो हम बिज़नेस करके नहीं चला सकते इस काम को अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस्लामिक तौर से भी देखा जाए तो अल्लाह पाक ने तो औरत का एक बाल नज़र आना भी मना किया है कि बाल भी नहीं नज़र आना चाहिए तो हम तो फिर गाना भी करती हैं परफॉर्मेंस भी करती हैं बस अल्लाह पाक से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा बड़ा सिस्टम है कहना चाहिए अल्लाह पाक मैं जिस रस्ते पर डल गई हूँ ठीक है अल्लाह की बेहतरी अल्लाह जानता है कि भाई है क्या बेहतर मगर अल्लाह पाक हर कदम कदम पे माफ फरमाए आप लोगों का प्यार है जिस वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर रही हैं। आने वाली लड़कियों को भी इज्जत दें प्यार दें रिस्पेक्ट दें और उनका भी नाम बनाए और हमसे भी ऐसे ही प्यार करते रहे थे नाजिन नफरिन खान की गुफ्त आपने सुनी और मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना सच बोलते किसी भी अदाकारा को नहीं देखा जो कि इतना सच्चा बोलती हूँ कमेंट सेक्शन आपके पास है अपनी राय का इजहार करते जाइएगा अपने मेजबान को इजाजत है इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे अल्लाह नासिर